हेलो गाइज, कैसे उम्मीद अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं मटर के बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी लेकर के जो आप लोग काफ़ी पसंद आएगा। इसके लिए मैंने उबले हुए मटर लिए हैं 1 कटोरी से 1.5 कटोरी के लगभग। यहाँ पे आप देख सकते हैं तेल मैंने 1/2 चम्मच से 1 चम्मच के लगभग लिए हैं, बड़े वाले चम्मच से। और उसे गर्म होने दें, धीमा फ्लेम रखें। उसमें 1/2 चम्मच जीरा और 3 से 4 मिर्चें ग्रीन मिर्च डालें और भून लें। उसमें आप 1 प्याज को अच्छे से कट करें और उसे अच्छे से इसमें डाल करके कट करके डालें और उसे मिक्स करें। अब इसमें गोल्डन होने पर इसमें मटर डाल दें उबले हुए और उसे भी अच्छे से चलाएं और मिक्स करें। मैंने ब्राउन नहीं किया है गोल्डन प्याज को, हल्का कच्चापन अच्छा लगता है कचौरियाँ में। यहाँ मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट लिए हैं 1 चम्मच के लगभग। हल्दी पाउडर मैंने लिए हैं 1/2 चम्मच से 1 चम्मच के लगभग। सब्जी मसाला 1/2 चम्मच के लगभग और रेड चिली मिर्च मैंने यहाँ पे पाउडर ऐड किया है। यहाँ पे हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच के लगभग, 1/2 से 1 चम्मच के लगभग। गरम मसाला भी आप इसी के अनुसार ले लें और सबको अच्छे से मिक्स करें। जैसे मैंने यहाँ पे मिक्स किया उसी तरह से अच्छे से मसालों को भून लें। उसके बाद आप इसमें आलू डाल करके उसे भी अच्छे से मिला लें। अब मटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं मसाले भी भून चुके हैं। अब आलू डालिए, इसे मिक्स कीजिए कटोरी की सहायता से। आप इसे दबा दबा करके अच्छे से मिक्स कर ले सारे को और इसको आप भूनिए अच्छे से। धीमा फ्लेम ही रखें, जिस तरह से बराबर से चलाते रहें जिससे ये नीचे तली में पकड़े नहीं और अच्छे से ये भून जाए। और आप 1 से 1.5 चम्मच नमक डाल करके इसे अच्छे से मिला लें और आप इसे ठंडा होने दें। और अच्छे से इसे बिल्कुल ठंडा हो जाने पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कटोरी से मैंने कैसे इसे मिलाया है। इसी तरह से दबा दबा करके आप भी इसकी आप कचौड़ियाँ की फिलिंग तैयार कर ले। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने फिलिंग तैयार कर ली। इधर मैंने आटे भी अच्छे से बना लिए हैं, इसे 1/2 घंटे के लिए मैंने सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दिए थे। आप इसी तरह से नॉर्मल आटा गूँथें। और इधर आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई गर्म कर लिया है, इसमें रिफाइन या तेल डाल करके आप गर्म करें और इसको धीमा फ्लेम करके इसमें अच्छे से आप छोटी छोटी लोइयाँ लें आटे की और उसे आप गोल राउंड करें। उसको अंगूठे की सहायता से बीच से दबा लें और उसमें 1 चम्मच फिलिंग डालें। देखिए मैंने यहाँ पे कैसे गड्ढा किया है, उसी तरह से आप अंगूठे की सहायता से आप गड्ढे कर लें। उसे आप कचौड़ियाँ का आकार देते हुए अच्छे से इसमें फिलिंग दबा करके बढ़े भरे और इसे आप कचौड़ियाँ का आकार देते देख सकते हैं आप। यहाँ मैंने 2-3 कचौड़ियाँ बना चुकी है। इसी तरह से आप भी सारे कचौड़ियाँ को फिल कर लें और आप देख सकते हैं इधर तेल भी गर्म हो चुका है। अब फ्लेम को धीमा कर दें, मीडियम में रखें, ना अधिक धीमा और ना अधिक तेज ही रखें, जिससे ये अच्छे से पके और गोल्डन होने तक इसे दोनों तरफ से अच्छे से करारी कचौड़ियाँ बनाएं। अधिक ना डालें एक बार में, 3 से 4 डालें। अगर बड़ा बर्तन तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। और इस तरह से आप इसे उलट पलट करके आप पकाएं। बड़ी कढ़ाई हो तो उसमें आप एक तरफ से गोल्डन होने तक 2-3 पकाए, उसके बाद में बगल में डाल भी सकते हैं जिस तरह से मैंने यहाँ पे डाला है। देखा आप लोगों ने कितना देखने में सुंदर ये लग रहा है, उतना खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी होता है। देखते ही मुँह में पानी आ जाए, इस तरह की ये रेसिपी है। ठंडियों में तो क्या कहने हैं इसके। आप लोग भी टमाटर की चटनी, मैंने ग्रीन चटनी यहाँ पर बनाई है धनिया टमाटर की, जो बहुत ही टेस्टी और यम्मी होती है। इसमें कच्चा प्याज डालें और आप अच्छे से इसे सर्व करें। इसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दे दूँगी। इस चटनी की बहुत ही यम्मी होती है, आप एक बार बनाएंगे तो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, इतनी टेस्टी और यम्मी होती है। देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और करारे हैं। आप लोग भी इसे ठंडी ज़रूर बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।